नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज मैं बनाऊंगी कोरोना वायरस जो देश में बहुत अधिक फैल रहा है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। तो उसके लिए हम एक काढ़ा बनाएंगे, होममेड काढ़ा बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या हमें लेनी है। तो ये तुलसी पत्ता मैं धो कर ले ली हूँ, थोड़ा सा साफ करके ले लीजिए, कोई कीड़ा वगैरह ना हो, सूखे पत्ते को हटा दीजिए। और ये ली हूँ एक चीज़, अजवाइन ली हूँ, जो आपको मालूम होगा अजवाइन क्या होता है, और इसको कैरम सीड्स भी बोलते हैं। और ये है ब्लैक पेपर पाउडर है, आप चाहे तो साबुत भी ब्लैक पेपर ले सकते हैं और उसको क्रश कर लीजिए। ये थोड़ा सा मैं अदरक क्रश करके ले ली हूँ। और ये मैं गूंड ली हूँ, जैगरी जिसको बोलते हैं, तो ये गूंड ली हूँ। और अब मैं एक पैन रखी हूँ इस पर, तो चलिए इसको पहले मैं जला लेती हूँ। और इसके लिए मैं देखिए एक पैन ली हूँ, और इसमें 1 गिलास पानी मैं सबसे पहले डालूँगी। तो 1 गिलास पानी मैं डाल दी। ये बनेगा कैसे तो ये भी मैं आपको देखिए बता देती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा है। और ये 1 चम्मच बनने के बाद हम इसमें घी डालेंगे लास्ट में, जब ये पूरी तरह उबल कर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम घी डालेंगे, तो इसलिए घी भी लेना है। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 आइटम है और घी साथ में 6। तो ये 6 चीज़ों से बनकर इतना सुंदर काढ़ा रेडी होगा। आप देखिएगा, आपको कितना भी खांसी हुआ हो, गले का प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। तो अब आगे इसमें मैं सबसे पहले गुड़ डालूँगी, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको डाल दीजिए, थोड़ा जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये गुड़ मैं डाल दी। आप चाहें तो इस जगह पे शक्कर भी ले सकते हैं, गुड़ या शक्कर कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। फिर आगे हम इसमें डालेंगे ये अदरक को, जो मैं क्रश करके रखी हूँ, अदरक भी थोड़ा सा मैं डाल दी। और ये इन सभी चीज़ों को मैं उबालूँगी। और ये जो है अजवाइन, इसको भी मैं इसमें, तो ये आप चाहें तो 1 चम्मच अजवाइन मैं थोड़ा ही सा डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब है, और इतना रख लेती हूँ। और फिर ये तुलसी पत्ता है, तो आप चाहे तो इसको निकाल कर भी डंडी से डाल सकते हैं, या ऐसे भी आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही ये तुलसी पत्ता को डाल देती हूँ, तो डाल दी। और इसको हमें उबलने के लिए छोड़ देना है। साथ में ये ब्लैक पेपर का पाउडर है, देखिए, तो ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी मैं डाल दी। और इन सभी चीज़ों को मैं थोड़ा सा चलाऊंगी, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले चला लीजिए। देखिए इसको 1 गिलास है, तो इसको कम से कम 1/2 गिलास से थोड़ा सा कम पूरा उबल कर जल जाने दीजिए। तो इसको अभी मैं ढक दूंगी एक प्लेट से, इसको छोड़ दूंगी। तो अब इसको उबलने दीजिए। और देखिए थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे उबल रहा है। फिर एक बार मैं इसको चला देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से जो गुड़ है, जैगरी है, वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये जो काढ़ा है, ये रामबाण काढ़ा है, आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। किसी तरह का वायरस हो, आपके गले में खराश हो, कफ हो, खांसी हो, अगर वो नहीं ठीक हो जा हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करिएगा अपने घर में। अगर तुलसी पत्र आपको मिले, तुलसी पत्ता और अदरक, और बहुत कुछ खास चीज़ मैं नहीं डाली हूँ, लेकिन अजवाइन, जो एक चीज़ है, अजवाइन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये काढ़ा जो है रामबाण का काम करता है, किसी भी तरह के आपके गले में प्रॉब्लम है, खराश है, तो सभी को ये जड़ से ख़त्म कर देगा। और आपको एक दिन में कम से कम 2 बार पीनी है, तो आप 2 बार ज़रूर पी कर देखिए। और इसको मैं पूरी तरह जलाऊंगी, कम से कम 5 मिनट इसको अच्छे से, या तो मीडियम फ्लेम करके, और इसको 5 मिनट तक अच्छे से, जितना इसका जो जूस है, जितनी चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई हैं, उसका अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए, घुल जाए, उसके बाद मैं इसको छानूंगी। अभी मैं देख लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया, जैसा कि आपने देखा था 1 गिलास में पानी ली थी। आप चाहें तो इसको और भी अधिक जला सकते हैं, पूरी तरह कम हो जाए, कि अच्छे से ये इसमें सभी चीज़ों का रस एक साथ हो जाए, एक रस।
अभी मैं इसको थोड़ा सा छान लेती हूँ, गैस को ऑफ कर दूंगी। आप चाहें तो इसको 2-3 बार गरम कर करके पी सकते हैं, अगर एक साथ आप नहीं पी सकते हैं तो। और फिर मैं इसको छान लूँगी। तो देखिए इसको मैंने छान लिया, ठीक है। और ये जो है इसको फेंकना नहीं है, जो इसका ये बचा है इसको फेंकना नहीं है। फिर दोबारा हम इसी में बना सकते हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में और भी चीज़ों को डालकर हम इसमें बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा काढ़ा जो है बनकर रेडी हो गया। अब इसमें हमें एक और चीज़ डालनी है, तो वो क्या चीज़ है वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसमें हमें घी डालनी है। तो देखिए 1 चम्मच इसमें, ये छोटे से चम्मच से घी डालनी है। ये घी से ना जैसे गले में खराश नहीं होगा, थोड़ा सा चिकनाई बनी रहेगी। तो ये घी डालेंगे हम थोड़ा सा, और उसके बाद इसको अच्छे से पहले चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और फिर आप इस काढ़े को एक बार ज़रूर पी कर देखिएगा। अगर आप घी नहीं पसंद करते या आप नहीं पी सकते, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं घी को। और फिर आप इसको एक बार पी कर देखिए, अगर आपको गले में कोई भी प्रॉब्लम है उसमें बिल्कुल आपको राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी और आपको तुरंत आराम पहुंचेगा। तो यही था हमारा आज का काढ़ा। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, और घर से बाहर मत निकलिए।